विकास खंड के दिगुआ संकुल की भोईपुर विद्यालय में पदस्थ सहायक शिक्षक गंधर्व सिंह की घुटने की हड्डी टूटने के कारण चलने में असमर्थ है। वही शिक्षक जब कलेक्टर भवन पर चल रहे जन सुनवाई में पहुंचे तो उन्हें देख जिला शिक्षा अधिकारी बौखला गए। भोईपुर विद्यालय के सहायक शिक्षक गंधर्व सिंह के घुटने की हड्डी टूटने के कारण जब उन्होंने अपने प्रधान अध्यापक से कुछ दिनों की छुट्टी स्वीकृत करने की दरखास्त की तो उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से मंजूर कराने की बात कही। जिला शिक्षा अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से अनजान दलित शिक्षक जब जिला शिक्षा अधिकारी की तलाश में न्यू कलेक्ट्रेट में चल रही जन सुनवाई में पहुंचा और जिला शिक्षा अधिकारी से मिला तो DEO ने चलने फिरने में लाचार शिक्षक की गुहार सुनने से पहले ही शिक्षक को जन सुनवाई में देख आग बबूला होते हुए नाराजगी व्यक्त की। जब दलित शिक्षक ने जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव के पैर छूकर वहां आने के लिए माफी मांगी तब जिला शिक्षा अधिकारी के मन में धधक रही आक्रोश की ज्वाला शांत हुई। वहीं DEO ने जैसे ही अपने आसपास मीडिया को देखा तो उनके तेवर बदले हुए दिखाई दिए। लंबे समय से परेशानी से जूझ रहे अस्वस्थ शिक्षक की परेशानी समझने के बजाय जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने जो अमानवीय व्यवहार किया वो निंदनीय है। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। मेडिकल तो आप कौन सा संकुल लगता है आपका? दिगुआ संकुल है। दिगुआ संकुल वहाँ आपने ये छुट्टी सेंक्शन के लिए नहीं दिया था आवेदन? नहीं, संकुल प्राचार्य ने क्या कहा आपके? जो कही कि जाओ आप DEO साहब में जाओ, जिला शिक्षा अधिकारी में भी सेंक्शन करें आप। तो तुम यहाँ आ गए? हमने तो जो कही है वो कलेक्टर को दे रहा है आपको। हाँ, जाने साथ में जिला शिक्षा अधिकारी जानते हैं। आपसे चैट रहे थे ना, वो क्या बोल रहे थे आपसे? सस्पेंड कर रहे हैं। किस बात पे कर रहे हैं सस्पेंड? कलेक्टर को कह रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पोस्ट क्या है? कौन सी विद्यालय में वो? शासकीय प्राथमिक विद्यालय भोईपुर। विकास खंड खरगोन जिले के महेश्वर में दो